मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोनू सिंह बोल रहा हूँ इंडिया से। मैं सामिया फिल्म्स के माध्यम से, जिसके सीईओ हमारे मित्र रिजवान जैदी साहब हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, इसके माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, जी हाँ बिल्कुल, कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूँ, कुछ आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी को तो पता होगा कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान शहर से निकला है, वहाँ के एक मीट मार्केट से निकला है, जिसने पहले तो चीन और उसके आसपास ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, जापान जैसे देशों में फैला, फिर समय रहते रहते इसने पूरे यूरोप पर और अब पूरे एशिया पर इसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस बीमारी में, ये बीमारी फैलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है चमगादड़ से फैला है, कोई कह रहा है सांप से फैला है, कोई कह रहा है किसी मतलब केमिकल वेपन का तैयार किया जा रहा था। बाकी इन सब से छोड़िए, जो फैल गया तो फैल गया। बाकी इसके बचाव के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका आप लोग पालन करिए, और हो सकता हो मेरी जानकारी में कुछ रह जाए आपको बताने के लिए तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। देखिए, ये जो बीमारी जो फैलती है वो सबसे बड़ा इसकी जड़ है, इसकी मजबूत होने की, कि चैन, ह्यूमन चैन। जैसे आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे फिजिकली संपर्क में आया, फिजिकली एसिडिटी कि आपसे हाथ मिला रहा हूँ, आपके गले मिल रहा हूँ, तो ये चैन ढूंढता है। ये जो बीमारी है ये चैन ढूंढती है। तो जब जितना हो सके आप चैन अपनी तोड़िए, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना कम कीजिए, या मिलिए तो सिर्फ नमस्ते करिए या आदाब करिए, हाथ मत मिलाइए किसी से, हाथ मत मिलाइए किसी से। नमस्ते नहीं कर सकते तो आदाब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के जो राजशाही घराने के लोग हैं वो भी आजकल नमस्ते ही कर रहे हैं, ट्रंप जो है वो भी नमस्ते ही कर रहे हैं, क्योंकि नमस्ते या आदाब जो भी आप करना चाहते हैं उससे आपका चैन नहीं बनता है, हाथ संपर्क में नहीं आते हैं। दूसरी चीज़, मास्क कब लगाइए, मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भीड़ भाड़ एरिए में जाते हैं तो वहाँ पर माउथ मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क आप लीजिए, उसको खुद यूज करिए, ध्यान रखिए कि वो मास्क किसी दूसरे पर्सन को ना जाए। और दूसरी चीज़ कि क्राउड से आपको बचना है, वही मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ इस सामिया फिल्म्स के माध्यम से, कि क्राउड से आपको बचना है, चैन नहीं बनने देना है। इंडिया में इस समय ये चल रहा है लॉकडाउन, मतलब ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जनता से अपील की थी कि जनता कर्फ्यू का पालन करें। जनता कर्फ्यू का पालन करने का मतलब ये है कि कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गवर्नमेंट कह रही है उसकी गाइडलाइन को हम फॉलो करें। दोस्तों, ये जो सरकार है, चाहे आपकी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान हो या हमारे मोदी जी हों, ये जो गाइडलाइन निकाल रहे हैं या पाकिस्तान की सरकार जो गाइडलाइन निकाल रही है उसका पालन करिए। किसी भी ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहिए जो अराजकता या अफवाह फैलाते हैं कि नहीं, ये चलिए सरकार को घेरने का समय है, उनका विरोध किया जाए, जबकि ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, बस जब तक ना हो सके बाहर मत निकलिए, जब तक कोई ऐसा काम ना हो सके, कोई गंभीर काम, बाहर मत निकलिए। अगर आपकी शादी, बर्थडे पार्टी या कहीं का इनविटेशन है तो कैंसिल करिए या उसको पोस्टपोन कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।